और इसी स्प्लैश के साथ सेनुआ की नई कहानी शुरू होती है। हाय, मेरा नाम है केडमस 90 और ये है मेरा रिव्यू सेनुआ सागा हेलब्लेड 2 का। गेम की तरह ये रिव्यू भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा और इसे मैं स्टोरी, गेम प्ले और कॉन्स में बांटूंगा। हमेशा की तरह रिव्यू के अलग एस्पेक्ट्स को बैड, बोरिंग, मैह, गुड और ग्रेट का स्कोर दूंगा। और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ और सीधे हेलब्लेड 2 के रिव्यू की ओर चलते हैं। हेलब्लेड 2 सेनुआ की कहानी को आगे बढ़ाता है, लेकिन इस बार सेनुआ अपने खोए हुए प्यार के लिए नहीं लड़ रही है। सेनुआ लड़ रही है अपने लोगों को बचाने के लिए। गेम की शुरुआत में सेनुआ जानबूझ के पकड़ी जाती है ताकि वो अपने गुलाम लोगों को बचाने में मदद कर सके, लेकिन रास्ते में सेनुआ की नाव तूफान में टूट जाती है और वो अपने आप को एक अनजान समुद्र तट पर पाती है। पिछले गेम की तरह इस गेम का भी एक अहम भाग सेनुआ का साइकोसिस है, लेकिन एक बड़ा बदलाव ये है कि इस बार सेनुआ अकेले नहीं है। जहाँ पिछले गेम में सेनुआ किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलती है पूरे गेम के दौरान, वहीं हेलब्लेड 2 में शुरुआत से ही सेनुआ कई लोगों से मिलती है। इनमें से कुछ के खिलाफ वो लड़ती है और कुछ की वो मदद करती है। सेनुआ का इन लोगों से मिलना जुलना और उनके बारे में उसका विचार सेनुआ के चरित्र को एक नया आयाम देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है इन लोगों की भागीदारी पिछले गेम के कहानी के कुछ दिलचस्प पहलुओं को हटा देती है या कम से कम उन्हें कम कर देती है। जैसे मैंने कहा था, सेनुआ का साइकोसिस उसकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पिछले गेम में पूरे समय एक शक रहता था कि जो कुछ सेनुआ देख और महसूस कर रही है वो सही में हो रहा है या फिर वो सेनुआ का एक वहम है। हेलब्लेड 2 में ये शक कुछ हद तक कम हो जाता है, क्योंकि सेनुआ एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है जो गेम के काल्पनिक तत्वों के साथ इंटरैक्ट करती है। ये शक पूरी तरह नहीं जाता क्योंकि गेम के ज्यादातर हिस्सों में सेनुआ अकेली होती है, लेकिन फिर भी मुझे ये बदलाव थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मुझे पहले गेम का वो शक पसंद आया था। लेकिन हेलब्लेड 2 की कहानी सिर्फ सेनुआ के अनुभव के बारे में नहीं है, इस गेम की कहानी प्लेयर के अनुभव के बारे में भी है। और हेलब्लेड 2 का सही अनुभव लेने का सबसे अच्छा तरीका हेडफोन्स के साथ है। गेम में कई बार सेनुआ अपने साइकोसिस के वजह से कई आवाजें सुनती है और ये आवाजें सिर्फ एक दिशा से नहीं आती हैं। गेम में जब भी ये आवाजें आने लगी तो मैंने इन आवाज के अनुसार अपने कैमरा को दाई और बाई हिलाना शुरू कर दिया। इस गेम की कहानी, माहौल और भावना को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका हेडफोन है। अब वापस कहानी में आते हैं। हेलब्लेड 2 में कुल 6 चैप्टर्स हैं और इन सारे चैप्टर्स में सेनुआ दोस्त, दुश्मन और बीच में सारे प्रकार के लोगों से मिलती है। और इनके अलावा सेनुआ अपने अतीत के एक और पहलू का सामना करती है जिसने उसे लंबे समय तक परेशान किया है, जो है सेनुआ का बाप। पिछले गेम की तरह यहाँ भी सेनुआ के बाप के कार्य न केवल उसके बर्ताव को प्रभावित करते हैं, बल्कि ये भी प्रभावित करते हैं कि वो अपने यात्रा में मिलने वाले लोगों के साथ कैसे बातचीत और उनके प्रकार सेनुआ कैसे महसूस करती है। कहानी के दौरान सेनुआ अपने बाप के प्रभाव के खिलाफ लड़ती है और उससे ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करती है, जो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरा गेम का सबसे मनपसंद भाग गेम के 4th चैप्टर के एंड में आया, जो मुझे इस गेम का हाई पॉइंट लगा। इसका मतलब ये नहीं कि आगे की कहानी निराशाजनक थी, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी कहानी 4th चैप्टर के अंत के मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। सेनुआ के अलावा इस गेम में कई और किरदार हैं जिनके खुद की वजह है सेनुआ की मदद करने के लिए और जो खुद इस गेम के मुख्य खलनायक जायंस से बहुत परेशान है। लेकिन हेलब्लेड 2 इन जायंस को सिर्फ ना समझ खलनायक के रूप में नहीं दिखाता है। सेनुआ और उसके सहयोगियों का सामना करने वाले जायंस की अपनी कहानी है जिसने उन्हें वह बनाया है जो वे हैं, और उनकी कहानी जान के सेनुआ ये पता लगाती है कि वो उनका सामना कैसे कर सकती है। इस गेम के सारे किरदार और उनकी कहानियों के बावजूद ये गेम काफी छोटा है और इस गेम की कहानी 5 घंटे से कम समय में खत्म की जा सकती है। छोटी कहानी और सेनुआ के साइकोसिस का शक कम होने के बावजूद जिस तरह से इस कहानी को न केवल सेनुआ बल्कि इस गेम के विभिन्न किरदार और विशेष रूप में जायंस का उपयोग करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, वो भी इस गेम के शानदार ग्राफिक्स में, उसकी वजह से मैं हेलब्लेड 2 की कहानी को गुड का रेटिंग दूंगा। हेलब्लेड 2 का गेम प्ले बहुत ही सिंपल है। इसकी लड़ाई, पहेलियां और यहां तक कि दुनिया भी बहुत सिंपल है। अब लड़ाई, पहेली और दुनिया के बीच में हम शुरुआत करते हैं दुनिया के साथ। हेलब्लेड 2 के शानदार ग्राफिक्स की वजह से इसकी दुनिया बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये दुनिया को सिर्फ निर्धारित रास्तों में एक्सप्लोर किया जा सकता है। आपके स्क्रीन में कोई रास्ता एकदम खुला और आराम से चलने लायक दिख रहा होगा, लेकिन असल में यहाँ पे एक अदृश्य दीवार है। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन हेलब्लेड 2 की दुनिया में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। हेलब्लेड 2 में घूमने की जगह कभी कभी खुल जाती है, लेकिन ज्यादातर समय सिर्फ एक पतला रास्ता होती है। लेकिन इन पतले रास्तों में भी दो कलेक्टेबल्स रखे हुए हैं,
ये कलेक्टेबल्स हैं लोस टैंगिर और हिडन फेसेस। सारे रास्ते पतले हो या खुले, घूमो तो लोस टैंगिर को ढूंढना आसान है, लेकिन हिडन फेसेस के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये दोनों कलेक्टेबल्स अलग अलग कहानी बताते हैं और सारे इकट्ठा करने से गेम में कुछ अनलॉक होता है, लेकिन इन दो कलेक्टेबल्स के अलावा इस गेम में और कुछ नहीं है। दुनिया के बाद आते हैं पहेलियों की ओर। पिछले गेम की तरह यहाँ भी सेनुआ अपने साइकोसिस के साथ पैटर्न्स को ढूंढ के बंद रास्तों को खोलती है। किसी बंद रास्ते को खोलने के लिए 2-3 पैटर्न्स ढूंढने होते हैं, और जैसे जैसे उनमें से किसी एक पैटर्न के पास पहुंचते हो, वैसे वैसे आपके स्क्रीन में उनकी गिनती बढ़ते जाती है। इसके अलावा एक नई सुविधा लाई गई है जिससे नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। ये दोनों प्रकार के पहेलियाँ गेम को थोड़ा मजेदार बनाती है, लेकिन जैसे पहले कहा था, ये पहेलियाँ भी सिंपल है और मुझे किसी भी पहेली में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अब आखिर में बची इस गेम की लड़ाई, जो पिछले गेम से भी ज्यादा सिंपल है। लड़ाई में आपके पास एक तलवार होती है जिसके साथ आप ब्लॉक या पैरी कर सकते हो और लाइट या हैवी हमले कर सकते हो। दुश्मन पे हमला करके एक स्पेशल हमले का मीटर बढ़ता है, और अगर दुश्मन के हमले को सही टाइम पे पैरी कर दो तो ये स्पेशल मीटर और बढ़ता है और एक दमदार हमला करने का भी मौका मिलता है। जब ये स्पेशल हमले का इस्तेमाल करते हो तो समय थोड़ा धीमा हो जाता है और दुश्मन पे आप ज्यादा तेजी से हमला कर सकते हो। लेकिन ये सब पिछले गेम में भी था। हेलब्लेड 2 पिछले गेम से इस मानिए में अलग है कि इसमें आप एक समय में एक से अधिक दुश्मन से नहीं लड़ोगे। जैसे मैंने कहा, हेलब्लेड 2 का गेम प्ले बहुत सिंपल है। इसमें ना पहेलियों में परेशानी होगी, ना लड़ाई में, और ना दुनिया के राज ढूंढने में। और इसी की वजह से मैं इस गेम के गेम प्ले को मैं का रेटिंग देता हूँ। कॉन्स में सबसे पहले बात करूंगा इस गेम के पेस के बारे में। ये एक स्टोरी ड्रिवन गेम है जिसमें काफी समय सेनुआ अपने साइकोसिस के आवाजों के साथ बात करती है। मुझे ऐसे स्लो स्टोरी ड्रिवन गेम्स के साथ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि सभी लोगों को ये पसंद नहीं है। आजकल के ट्रिपल ए गेम्स की तरह हेलब्लेड 2 भी बहुत ग्राफिकली इंटेंसिव है, लेकिन बाकी गेम्स की तरह ये ऑप्टिमाइजेशन की वजह से नहीं है। यहाँ ग्राफिक कार्ड की ताकत असल में दुनिया को रेंडर करने में इस्तेमाल होती है। निंजा थियरी ने कई विकल्प दिए हैं सेटिंग्स में गेम के FPS को बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये गेम गेम प्ले के लिए नहीं, इसकी कहानी और हाँ ग्राफिक्स के लिए बनाया गया है। और ये शानदार ग्राफिक्स की वजह से बहुत लोगों को ये गेम अपने PC में चलाने में मुश्किल हो सकती है। अगला कौन जो मैं बताऊंगा वो है इसका एस्पेक्ट रेशियो। मुझे इस गेम का 2.39:1 एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ये और भी पसंद नहीं आया कि इसे बदलने का कोई विकल्प नहीं है। ये एस्पेक्ट रेशियो सिनेमैटिक कटसीन्स में अच्छा लगता है, लेकिन गेम प्ले में उतना नहीं। अगर आपके पास अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है तो ये एकदम सही दिखेगा आपके मॉनिटर में, लेकिन बाकी लोगों को पूरा गेम इन ब्लैक बॉक्स के साथ खेलना होगा। मैं ये कहूंगा कि इस एस्पेक्ट रेशियो को बदलने के लिए कम्युनिटी द्वारा बनाए मॉड्स उपलब्ध हैं, लेकिन वो बस स्क्रीन को बड़ा करते हैं जिससे स्क्रीन का थोड़ा भाग कट जाता है। अगली चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है इसका माउस एंड कीबोर्ड गेम प्ले। माउस एंड कीबोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त जब भी मैं माउस का कोई भी बटन दबा रहा था तो स्क्रीन में मुझे कर्सर दिखाई दे रहा था, चाहे वो हमला करने के लिए हो या किसी और वजह से। इसका समाधान कंट्रोलर का उपयोग करना है, लेकिन वो लोग जिन्हें माउस एंड कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पसंद है उन्हें ये काफी अनोइंग लगेगा। आखिरी चीज जिसके बारे में यहाँ बात करूंगा वो है इस गेम को खत्म करने का समय। मैंने ये गेम को 100% 9 घंटे से कम समय में कर दिया, जो मुझे बहुत छोटा लगा। गेम को फिर से खेलने के लिए निंजा थियरी ने थोड़े अनलॉकेबल्स दिए हैं, लेकिन आप अगर गेम को सिर्फ एक बार खेलते हो तो ये गेम एक दिन में खत्म हो जाएगा। हेलब्लेड 2 का सिंपल गेम प्ले और इसके 2.39:1 एस्पेक्ट रेशियो के वजह से मैं बहुत समय तक सोचा कि इसे मैं दूं कि गुड। लेकिन अगर आपको इसके एस्पेक्ट रेशियो के साथ कोई परेशानी नहीं है तो हेलब्लेड 2 की कहानी, शानदार ग्राफिक्स और नॉन बैड गेम प्ले इसको मैं रेटिंग से उठाकर गुड के रेटिंग तक पहुंचा देती है। ये था मेरा रिव्यू सेनुआ सागा हेलब्लेड 2 का। काफी छोटा रिव्यू था, लेकिन फिर गेम भी काफी छोटा है। अगर कोई सवाल या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो उसे कमेंट्स में लिख देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया, तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अलविदा। I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise.